वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। पार्लर में जाना और पार्लर में जाके स्पा कराना किसको पसंद नहीं है? आपको भी पसंद होगा और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इतना बजट इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता कि वो पार्लर में जाए और पार्लर में जाके स्पा करा के आए। अगर आप लोगों का उतना बजट है तो आप पार्लर जाइए और अपना स्पा करा के आइए, मैं आपको मना नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए निकाला है जिनका इतना बजट नहीं है और उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों से अगर ये बोलूं कि आप लोग घर में रहकर भी बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से पार्लर जैसा स्पा कर सकते हो, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा ना? मुझे पता है ये सुन के आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जो पार्लर का काम आप घर में कर सकते हो तो ये सुन के तो सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पर ही कितने आसान तरीके से स्पा कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आए, तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को कर देना लाइक। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा, और मेरा सेकेंड चैनल भी है जिसको उसको भी मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं कि होममेड स्पा कैसे किया जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करना है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम कौन सा शैम्पू करें, तो देखिए जो भी आप करते हो, जो भी आपके पास है और जिसका रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, आप वही शैम्पू करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेयर स्पा करने का तरीका बता रही हूँ तो इसके लिए आपको कोई अलग से शैम्पू लेना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक दिन पहले भी शैम्पू कर सकते हो और आप जब हेयर स्पा करने के लिए जा रहे हो तो उस समय भी शैम्पू कर सकते हो, लेकिन आपको करना शैम्पू के बाद ही है। ऐसा नहीं है कि आपके बालों में पहले से ही ऑयल है या फिर आपके बाल गंदे हैं, डस्ट वगैरह है, तो उसके ऊपर आप स्पा करने के लिए जा रहे हो तो स्पा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो पहले आपको शैम्पू करना है। तो देखिए, अब मैंने अच्छे से शैम्पू भी मेरे बालों में एक दिन पहले ही मैंने करके रखा हुआ था, उसके बाद मैंने अपने बालों को कर लिया अच्छे से कॉम। अब मैं जो ये कर रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ पानी, मतलब हल्का सा आपको अपने बालों को गीला करना है। कितने परसेंट? कम से कम 10-15% बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अपने बालों में मतलब बहुत ज़्यादा पानी लगा लो और जो पानी है वो टपकने लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हल्का पानी लगाना है, हल्का हल्का गीला करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्प्रे बोतल भी ले सकते हो, उसमें पानी डाल के स्प्रे भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया, अच्छे से मतलब इतना ज़्यादा नहीं किया लेकिन सारे बालों को गीला कर लिया 10-15%। अब मैं आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने हेयर्स में कोई भी स्पा क्रीम अगर आपके पास है तो आपको वो अप्लाई करनी है। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्पा क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी हेयर मास्क है तो आप वो भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का है, कोई भी है चलेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे लोरियर का हेयर स्पा क्रीम है तो मैं इसी से ये आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप होममेड मतलब घर पर अपना स्पा कर सकते हो। और अगर आपको एलोवेरा से करना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एलोवेरा से आपको किस तरीके से करना है। देखिए, आप एलोवेरा में विटामिन डी कैप्सूल जो आता है उसका ऑयल लेके अपने बालों के अकॉर्डिंग कि आपके बालों की लेंथ कितनी है तो उतना लेके आप उसमें दो या तीन एक कैप्सूल का जो ऑयल आता है उसको निकाल के उसमें डाल दें और दोनों को अच्छे से कर दें मिक्स। तो इससे भी आप इसी तरीके से स्पा कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, आपको ऐसे ही अपने रूट से लेके नीचे लेंथ तक अपने बालों में अच्छे से मसाज करनी है। अब आपको एक तरीका मैं और बताती हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास एलोवेरा जेल भी नहीं है और विटामिन डी कैप्सूल भी नहीं है और आप लोगों के पास हेयर स्पा क्रीम भी नहीं है, फिर आपको तीसरा तरीका इसका कौन सा है कि आप किस तरीके से करें? तो देखिए, आप कोई भी कंडीशनर ले आइए, आप कंडीशनर तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, तो आपको क्या करना है, कंडीशनर आपको लेना है अपने बालों की अकॉर्डिंग कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि पाउच, मान लीजिए पाउच आते हैं जो, वो आप दो पाउच भी ले सकते हो, तो दो पाउच का जो भी कंडीशनर है उसको एक खाली बाउल में निकाल दीजिए, सारा निकालने के बाद उसमें आप विटामिन डी कैप्सूल डाल दीजिए या फिर उसमें एलोवेरा जेल डाल दीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप कंडीशनर से भी कर सकते हो। तो कंडीशनर में आप कोई भी ऑयल आपके पास है जैसे कि ऑलिव ऑयल है या क्या कहते हैं सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, इनमें से कुछ भी है ना आपके पास, तो उसकी 4-5 ड्रॉप आप उसकी डाल के अच्छे से मिक्स करके कंडीशनर में, तो जैसे मैं मसाज कर रही हूँ आपको इसी तरीके से अपने बालों की मसाज करनी है और अच्छे से आपको मसाज करनी है। ऐसा नहीं है कहीं से आप अपने बालों को छोड़ दो, तो आपको रूट से लेके नीचे तक अपने बालों की मसाज करनी है। आप ये समझ के करना कि मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है।
और आपको इसी तरीके से करना है ऊपर से लेकर नीचे की साइड। और आप थोड़ा सा नीचे की साइड अपने बालों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा जो नीचे वाला एरिया होता है ना बालों का, वहाँ से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं और बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से होते हैं, तो और दो मुंगे बालों की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से आप ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों की अच्छे से मसाज करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैं पूरे बालों में अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो देखिए अब मेरी जो मसाज थी कंप्लीट हो गई, मैंने पूरे बालों में अपनी रूट से लेकर नीचे तक अच्छे से मसाज की है। और अब मैं क्या करूँगी, पीछे की साइड अपने सारे बाल लेके अच्छे से इन्हें सिक्योर कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगला स्टेप क्या है और अब आपको क्या करना है। तो देखिए ये है मेरे पास थर्मल कैप, और ये थर्मल कैप मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इससे आप अपना स्पा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम बजट में और खुद के हाथों से अपने घर पर कर सकते हो। इससे स्पा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसे यूज कैसे करना है। तो देखिए इसमें एक वायर भी है, और इसमें है ये ऑफ का बटन है इसमें, और है इसमें हाई का और लो का, तीनों बटन है इसके अंदर। और जैसे जैसे हमें सेट करना है अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। लो पे करना है तो लो पे कर सकते हैं, हाई पे करना है तो हाई पे, और हमें ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वायर को अच्छे से निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं प्लग ऑन करती हूँ। प्लग ऑन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। तो देखिए मैंने प्लग को ऑन कर दिया और मैंने हाई पे करके और उसको ऑन करके छोड़ दिया है, और 5 मिनट के लिए मैं उसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी। 5 मिनट में वो अच्छे से हीट हो जाएगा। अब मैं तब तक क्या करूँगी, जब तक मेरी कैप है जो हीट हो रही है, एक कॉटन टॉवल आपको लेनी है और उसे लेके अपने बालों पर अच्छे से आपको लपेट लेना है। अगर आपके पास कोई भी कॉटन टॉवल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो और उसे इस तरीके से अपने बालों पे अच्छे से लपेट लें, क्योंकि हमें हीट करना है। तो मैंने इसलिए ये वाला कपड़ा लिया है क्योंकि यह थोड़ा सा पतला भी है और कॉटन का भी। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना है आपको, कोई भी सिल्की वगैरह कपड़ा नहीं लेना है, इसकी जगह आपको कॉटन का ही लेना है, चाहे वो टॉवल हो या फिर कोई भी कपड़ा हो सकता है। और तो देखिए अब मुझे हो गए पूरे 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद जो मेरी कैप थी वो अच्छे से हीट हो गई है और मैंने इसे हाई पे करके रखा हुआ है। तो अब मैंने इसको पहन ली। अब मैं क्या करूँगी, इसे हाई पे ही रहने दूँगी 5 मिनट के लिए। और मतलब 5 मिनट मैंने इसे लगा के छोड़ दिया था, और 5 मिनट मैं अपने सर में लगा के इसे छोड़ देती हूँ और 5 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। और अभी भी मैंने इसको हाई पे ही किया हुआ है। तब तक मैं अपना फ़ोन वगैरह चेक कर लेती हूँ, किसका मतलब व्हाट्सएप वगैरह अपना चेक कर लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, आप लोगों के कमेंट रीड कर लेती हूँ। आप भी इसी तरीके से अपना थोड़ी देर टाइम पास कर सकते हो या फिर अपनी चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। देखिए अब हो गए मुझे पूरे 5 मिनट। अब मैं क्या करूँगी, इसे 5 मिनट के लिए लो पे करके और इसको छोड़ दूँगी। मतलब मुझे इसके लिए टाइम देना है पूरे 15 मिनट। पहले हाई पे करके मैंने इसे हीट करने के लिए रख दिया था, उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसे अपने सर पे लगा के रखा था, तब भी मैंने इसे हाई पे किया हुआ था। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे लो पे करके अपने सर पे लगा के रख दिया था, और अब हो गई मुझे पूरे 15 मिनट। अब मैंने कैप को निकाल के रख दिया साइड में। अब आपको क्या करना है, अपना हेयर वॉश करना है। और आपको हेयर वॉश करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपने कैप हटाई है तो आपका सर है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, कम से कम 15 या 20 मिनट, उसके बाद ही आप अपना हेयर वॉश करें। और हेयर वॉश करने के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी आप ले सकते हो। तो देखिए अब मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो भी हेयर सीरम है आप कोई भी सीरम लेके अपने बालों में ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास हेयर सीरम नहीं है तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल लेके भी अपने बालों में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो बाल हैं स्मूथ बने रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं, और कॉम भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आप एक बार ये स्पा करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने बालों में स्मूदिंग कराई है। तो आप इस हेयर स्पा को अपने घर में कम से कम 10 या 15 दिन में एक बार कर सकते हो, और करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। इस थर्मल कैप से हेयर स्पा करना बहुत ही आसान है। वैसे हम टॉवल से भी कर सकते हैं, लेकिन टॉवल से झंझट होता है, तो इससे करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप लोग इस थर्मल कैप को लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है आप इसी तरीके से इस हेयर स्पा को करें, और आप देखोगे कि कितने कम बजट में आपका हेयर स्पा होके हो जाएगा तैयार। और सबसे अच्छी बात है आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए बताइए आपको मेरा ये होममेड स्पा करने का तरीका कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। पसंद आई ना
मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया है कि आप घर पर ही कितने आसान तरीके से अपना स्पा कर सकते हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे काम को पसंद करो, जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका रिजल्ट आप लोगों को 101% मिले। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।